अगर नहीं जाना है तो घर आ जाओ, साथ में रहेंगे हम लोग, ठीक है। इसका नाम हरी रखा है मैंने। इसने मेरे साथ मुंबई और पंजाब का आईपीएल मैच भी देखा, ये अपने खानदान का पहला होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में है हरियल का बच्चा, इसे हरियल कहा जाता है, छोटा सा बच्चा, देखिए देख सकते हो। सवेरे के 6:25 हो रहे हैं और मैं इसे जा रहा हूँ छोड़ने। एक कल शाम को मुझे मिला था, तो अभी मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ और इसके मम्मी और पापा के पास। कल शाम को मुझे मिला था खेत में, अंकल आ रहे थे तो उसके सामने उड़ के नीचे गिर गया था ये, तो फिर मैंने इसको पकड़ के पेड़ में बैठाया और काफ़ी आधा घंटा से एक घंटा इंतज़ार करा कि इसकी मम्मी पापा आके इसे ले जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं और कहीं दिखे भी नहीं। तो फिर मुझे लगा कि रात हो रहा है, इसलिए मैंने इसको साथ में घर लेके आ गया, रात भर मेरे साथ था। इसने मेरे साथ मुंबई और पंजाब का आईपीएल मैच भी देखा, ये अपने खानदान का पहला होगा कि जिसने आईपीएल मैच देखा है। घर पे मस्त में सोया ये, अभी इसकी मम्मी या डैड कोई एक दिखा है तो जो पेड़ में मुझे मिला था नीचे गिरा हुआ था जो पेड़ के, वहाँ बैठा देंगे और अगर ये चले जाता है काफ़ी अच्छा है। रात को यही एक डर था कि अगर अकेला बैठेगा, बारिश वगैरह आ गया, भीग गया तो बीमार हो जाएगा, या तो सांप वगैरह खा लेगा, या तो नीचे गिर गया तो कुत्ता खा लेगा, बिल्ली खा लेगा, अगर सुबह होते संग ही ईगल वगैरह घूमता है वो खा लेंगे, तो ये डर से मुझे घर लेके जाना पड़ा। इसकी मम्मी ऊपर बैठी है, देखते अभी चिल्लाएंगे नहीं, इसको छोड़ते हैं भाई चले जाना। ये बहुत हुआ है, इसके सर में फेरने से ना मुंडी घुमा ले गए भाई। अच्छा से रहना, अगर नहीं जाना है तो घर आ जाओ, साथ में रहेंगे हम लोग, ठीक है। इसका नाम हरी रखा है मैंने, हरी हरा है ना इसीलिए। चलो छोड़ देते, इसकी मम्मी बैठी हुई है। तो फ्रेंड्स मुझे मिल चुकी है इस हरी के बहन या भाई और इसकी मम्मी ऊपर बैठी हुई है। हरी मेरे हाथों से उड़ के वहाँ पर जा चुका है, झटका में उड़ गया। और देखिए उसकी मम्मी और लगते हैं यहाँ पर बैठी हुई है, तो अच्छा हुआ दिख गया, हरी उड़ के वहाँ पर जा चुका है खुद से। मेरे हाथ में कैमरा ऑन ही था, मुझे समझ ही नहीं आया, उड़ के वो अपने आप से वहाँ चले गया, वहाँ कहीं में ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ पे बीच में बैठा हुआ है, तो सही है वो चले गया तो अच्छी बात है। आंटी जी अपना बच्चा का ख्याल रखते हैं अच्छे से, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि वो उड़ के उधर गया है तो देख लेना, साथ पे छोटा वाला भी बैठा हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के साथ ही मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर आ चुके हैं। इनके मम्मी डैडी को मैंने बोल दिया कि सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पे आपका बेटा का वीडियो आने वाला है। मैं मजाक कर रहा हूँ। और मैंने इनका ग्रुप का नाम दिया है दी फ्लाइंग एंजल, मतलब जितने उड़ने वाले हैं अभी वहाँ से भी सब्सक्राइबर आएंगे, तो इनका ग्रुप का नाम है दी फ्लाइंग एंजल। उड़ते तो है एंजल टाइप, दिखते भी है। बस मैं मजाक कर रहा हूँ, नए सब्सक्राइबर आ गए और सही है, लवजल कहाँ कहाँ फेमस होता है पता नहीं, अभी तक जमीन में था अभी आसमान में भी। क्या बात है, मुझे इस बात की खुशी है कि कल शाम को मैंने पूरा ढूंढा उसके मम्मी और डैड को, बहुत ढूंढा। अगर वो साथ में चले जाता है उनके काफ़ी अच्छा है, एक खुशहाल ज़िंदगी जिएगा। अगर नहीं भी जाते थे, मैं देख रहा था कि कहीं मिस तो नहीं हो गया, तो उसमें कोई नहीं, मैं पाल लूँगा आराम से। तो दरअसल बहुत पहले इसी तरह एक कबूतर का बच्चा भी हमें मिला था, उसको वो मतलब पेड़ से नीचे गिर गया था, वापस गया ही नहीं। फिर यहाँ पे यही है डर, कुत्ता बिल्ली वगैरह खा लेंगे, तो उसको मम्मी ने पाल लिया था। वो अपना आप से मतलब ऐसा नहीं था कि उसको पिंजरे में रखे थे, वो मस्त में अपना घर में घूमता था, खाता था, जहाँ जाना था वैसा वाला सीन था। फिर एक दिन वो उड़ के गया, मतलब उसको इंसान से डर नहीं था, उसको दोस्ती हो गया था इंसान से। एक दिन उड़ के गया, शायद कोई मार दिया उसको, वो तो अपने आप से मतलब कहीं भी जंगल जा सकता था, कहीं भी घूमने जा सकता था, बस शाम को क्या करता था सोने आ जाता था, वैसा लाता। एक छोटा सा था हेल्प ब्लॉग, मुझे काफ़ी मस्त लगा। उड़ के चले गए यार, दिखा नहीं पाया मैं आपको, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। ओके चलिए टाटा बाय बाय, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग में। और हरी दोबारा फिर से दिखेगा तो फिर देखते हैं।